पिछले हफ्ते भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात पर पाकिस्तान बौखला गया है। आनन फानन में उसने अमेरिकी दूत को तलब किया। गौरतलब है कि पीएम मोदी और जो बाइडेन द्वारा दिए गए संयुक्त बयान को लेकर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। इस बयान में दोनों देशों ने सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की अपील की थी। इनमें पाकिस्तान से चल रहे कई आतंकी संगठनों का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपनी चिंता और निराशा जताने के लिए सोमवार को अमेरिकी दूतावास के मिशन डिप्टी चीफ को तलब किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान में इस्लामाबाद से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि उसके इलाके का उपयोग आतंकवादी हमलों के बेस के तौर पर नहीं किया जाए। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि संयुक्त बयान में एक तरफा और भ्रामक संदर्भों का हवाला दिया गया था। विदेश कार्यालय ने कहा कि इस बात पर जोर दिया गया कि अमेरिका को ऐसे बयान जारी करने से बचना चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आधारहीन और राजनीति से प्रेरित आरोपों को बढ़ावा देने वाले हैं। बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। विश्वास और समझदारी का वातावरण पाकिस्तान अमेरिकी संबंध को मजबूत करने के लिए जरूरी है।